हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपल मोहित सिंधव। आज मैं वापस आप लोगों के साथ अपना इवनिंग का डिनर का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे शाम को बना रही हूँ आज पराठा और पनीर बटर मसाला, और धनुष के लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है नॉनस्टिक, और उसमें एक चम्मच जितना बटर और थोड़ा सा राई और जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लहसुन और अदरक डाल दूँगी। लहसुन मैंने 4 से 5 लिया था, उसको भी काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और अदरक मैंने 1 इंच लिया था, उसे मैं ज़रा सा सॉटे कर लूँगी। उसके बाद मैं उसमें हरी मिर्च डाल दूँगी, जिसे मैंने ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिया है, ऐसे मैंने ऑनियंस के भी बड़े टुकड़ों में ऐसे काट लिया है। मैंने 3 से 4 ऑनियन ले लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर को भी ऐसे लंबे पीसेस में मैंने काट लिया है। मैंने यहाँ पे 4 टमाटर यूज़ किया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने लो मीडियम रखा है। मैंने यहाँ पे काजू 4-7 से 8 काजू ले लिया है, जिसे मैंने 1 घंटे के पहले भिगो दिया था, तो मैं उसे भी उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे सारे मसाले ले लिए हैं मैं, यहाँ पे दालचीनी और इलायची, ये सब मसाले हैं गरम मसाले, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप इसकी जगह गरम मसाला पाउडर डालना चाहें तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने 1/2 चम्मच जितना हल्दी डाल दिया है, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं उसे ढक के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उसे पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ज़रा सा ही उसे पकाना है। और बस मैं अभी अपने छोटे से धनुष के लिए खिचड़ी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टील का कुकर ले लिया है। मैं आपसे भी सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा ही स्टील के बर्तनों में ही खाना पकाए, अगर आपके घर में स्पेशली छोटे बच्चे हो तो। ये एक, अगर आप एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं तो ये एक स्लो पॉइजन है, जो आपके बेबीज़ के ब्रेन को हार्म कर सकते हैं, और उसका ब्रेन डेवलपमेंट या उसकी जो मेमोरी होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, और आपको भी ये लॉन्ग टर्म पे नुकसान कर सकता है। तो मैं यहाँ पे धनुष के लिए सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी डाल के उसको थोड़ा सा बटर में मैंने उसको रोस्ट कर दूँगी मैं ज़रा सा। और यहाँ पे मेरा पनीर बटर मसाला का जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुका है, तो मैं उसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और धनुष के खाने में मैं मिर्ची नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो छोटा है। तो बस मैं ऐसे ही सारी दाल, जैसे कि चावल और मूंग की, चने की और उड़द की दाल, ऐसे थोड़ी थोड़ी दालें लेके मैं उसको 10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ। फिर अच्छे साफ पानी से धो के मैं उसे पका देती हूँ। सारी सब्जियां मैं उसमें थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ, जैसे कि पालक, टमाटर और थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा गार्लिक और सारी चीज़ें डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसे भी 3 से 4 विसल लगा के मैं पका देती हूँ, और उसे दही के साथ सर्व करती हूँ धनुष को। तो यहाँ पे मैंने धनुष का भी खिचड़ी बना दिया है। और यहाँ पे मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं पराठे के लिए आटा गूंद रही हूँ, तो मैं सबसे पहले इस तरह से आटे को इस छन्नी से छान लूँगी, और थोड़ा सा मुझे उसके साइड में रखने के लिए थोड़ा सा आटा निकाल दूँगी, और उसमें जीरा डाल के, नमक डाल के और ऑयल डाल के मैं उसका एक आटा गूंद लूँगी। आटे को मैंने घर पे ही आज पनीर बनाया था, तो उसका जो पानी बच गया था तो उसे मैं इस आटा गूंदने में यूज़ कर लूँगी। वो पानी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप घर पे पनीर बना रहे हैं तो उसका पानी है उसे फेंक नहीं देना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो हमें उसे आटा गूंदने में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और यहाँ पर मेरा आटा है वो मैंने गूंद लिया है,
और इसे मैं सेट होने के लिए 10-15 मिनट साइड में रख दूँगी। और मैं यहाँ पे अपना पनीर बटर मसाला बनाने की प्रोसेस में आगे बढ़ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का जार ले लिया है, उसमें ये सारे जो मैंने एक रखे थे साइड में उसे मैं डाल दूँगी और उसे मिक्सर में थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी। ये देखिए क्रश हो गया है, एक बार चेक कर लूँगी कि उसमें कोई बड़े पार्ट्स तो नहीं रह गए हैं। उसके बाद मैंने वापस उसी कढ़ाई में थोड़ा सा बटर ले लिया है, दालचीनी के थोड़े से पत्ते डाल दूंगी और वापस उसमें ग्रेवी डाल दूंगी। उसे ढक के ऐसे ही लो मीडियम फ्लेम पे मैं उसे पकने दूंगी। और ये मैंने एक शिमला मिर्च काट लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल दिया है। इसे ऐसे ही मैं पकने दूंगी और तब तक का साइड में मैं ऐसे अपने पराठे हैं वो बेल लूंगी ताकि मोहित आते होंगे तो वो आएंगे तो मैं उसे गर्मा गर्म सर्व कर सकूं। तो मैं ऐसे बेल के उसे साइड में रख दूंगी। धनुष सो रहा होता है तब तक मुझे फटाफट से रसोई बना लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा मेरे छोटा सा बेबी नहीं तो मुझे किचन में कुछ काम नहीं करने देता है और सारी चीज़ें उठा उठा के बाहर रख देता है। मुझे जितना खाना बनाने के बाद ठीक नहीं करना पड़ता है उससे ज़्यादा तो वो बिगाड़ देता है। तो ये सारे पराठे मैं बेल के साइड में रख दूँगी और यहाँ पे मेरा ये पनीर बटर मसाला भी रेडी होने को आया है। तो मैं बस उसमें सिर्फ पनीर ही डालना बाकी है तो मैं पनीर डाल दे रही हूँ। आज पनीर मैंने घर पे ही बनाया था। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ही है कि हम घर का बनाया खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं मोस्टली यही प्रिफर करती हूँ कि घर का खाना मैं जितना हो सके उतना बना के ही खाए। अब उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा मलाई डाल दूँगी। और मलाई को अच्छे से इन सारी चीज़ों में मिक्स कर देंगे। तो ये मेरा सब्जी रेडी हो चुका है, धनुष की खिचड़ी भी रेडी हो चुकी है और बस अब मोहित भी आ गए हैं तो मैं पराठे है उसको थोड़ा सा उसको सेक के मोहित को बस सर्व कर दूंगी। दोनों साइड ऐसे फ्लिप कर करके मैं उसमें ऑयल लगा के मैं उसको अच्छे से सेक लूंगी। तो इस तरह से मैंने पनीर बटर मसाला और पराठे बनाए हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।